अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैल्शियम आयन का मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या रोल है। तो आप चलिए एक बार फिर से यहाँ देखिए, ये जी एक्टिन हो गया, ये आपको मैंने जी एक्टिन दिखाया है, ग्लोबुलर एक्टिन, और ऐसे मेनी जी एक्टिन एक दूसरे से पॉलीमराइज्ड होंगे ऐसे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब जी एक्टिन है, ये सब आप नोटिस कर रहे हैं। तो जी एक्टिन मेनी जी एक्टिन से पॉलीमराइज होगा, बहुत सारे जी एक्टिन पॉलीमराइज हो गए जैसा कि ये देख रहे हैं आप। तो ये एक एफ एक्टिन प्रोटीन हो गया ये, ठीक ना, जी वन इंडिविजुअल जो देख रहे हैं आप राउंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, ये जी एक्टिन हो गया, और इनके पॉलीमराइजेशन से जो ये प्रोटीन बना वो एफ एक्टिन, और ऐसे दो एफ एक्टिन एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होकर के वन एक्टिन प्रोटीन कहलाएंगे, और इस एक्टिन प्रोटीन से थिन फिलामेंट बना हुआ है। फिर मैंने बताया था ये जो जी एक्टिन है उस पे मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, तो ये जी एक्टिन एफ एक्टिन के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं पॉलीमराइजेशन के बाद। तो जैसे जी एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट होगा तो वो एफ एक्टिन पे भी होगा, एफ एक्टिन पे होगा तो एक्टिन प्रोटीन पे होगा, एक्टिन प्रोटीन पे होगा तो थिन फिलामेंट पे होगा। तो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है थिन फिलामेंट के, वो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के द्वारा हिडन है। ट्रोपोमायोसिन पार्शियली हाइड करता है इस साइट को, और ट्रोपोनिन भी पार्शियली हाइड करता है। आप याद रखिए, जैसे जी एक्टिन इस तरह के ढेर सारे आपस में पॉलीमराइज होके एफ एक्टिन बनाएंगे, उसी तरह से ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन ढेर सारे पॉलीमराइज होके ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट फॉर्म करते हैं, और ये ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट देख रहे हैं आप, जो एक्टिन प्रोटीन के बीच में जो गैप दिख रहा है, ये दो एफ एक्टिन से बना वन एक्टिन प्रोटीन है, और दो एफ एक्टिन के बीच में जो गैप दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट है जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के पॉलीमराइजेशन से बना हुआ है। और जैसे दो एफ एक्टिन होंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइज, तो उसी तरह से ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट भी वन पेयर यहाँ पे इस गैप में पाया जाता है, और ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट पे ट्रोपोनिन प्रोटीन रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, और ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है, जो इंटरवल का जो साइज है, तो वो है 360 एंगस्ट्रम और 36 नैनोमीटर। तो 36 नैनोमीटर के रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन प्रोटीन पाए जाते हैं ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट के ऊपर। अब यहाँ पे याद रखिए, एक ट्रोपोनिन जो है वो ट्राइमेरिक प्रोटीन है, थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है, और उनके फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे उनका हम लोगों ने नेमिंग कर दिया है। जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन को टीपीटी, ट्रोपोनिन फॉर बाइंडिंग विद ट्रोपोमायोसिन, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन से बाइंड करता है, इसे इसको हम टीपीटी सिंबलाइज करते हैं, टीपी फॉर ट्रोपोनिन एंड अनदर टी फॉर ट्रोपोमायोसिन। ये टीपीआई लिखा है मैंने, टीपीआई, टीपी फॉर ट्रोपोनिन, आई फॉर इनहिबिटरी, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन मायोसिन बाइंडिंग साइट को पार्शियली हाइड करता है, मसल फिजियोलॉजी मसल कॉन्ट्रैक्शन को ये इनहिबिट करता है, इसलिए इस पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम टीपीआई रख दिया हम लोगों ने। ये टीपीसी अनदर पॉलीपेप्टाइड चेन जो कैल्शियम को रिस्पॉन्स करता है, कैल्शियम आयन इससे बाइंड करता है, इसलिए हम लोगों ने इसको टीपीसी कह दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि जब कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में मसल फाइबर के अवेलेबल ना हो तो मायोसिन बाइंडिंग साइट हिडन रहता है, क्लोज्ड रहता है, और इस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो फिजियोलॉजी जो प्रोसेस है वो फर्दर आगे आगे नहीं बढ़ती। तो किस कौन हाइड करता है, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन हाइड करता है इसको, और ट्रोपोनिन का टीपीआई हाइड करता है इस साइट को। अब जब कैल्शियम बाइंड करेगा रिलीज होने के बाद, सार्कोप्लाज्म आने के बाद, तो वो टीपीसी से बाइंड करेगा, टीपीसी से जब कैल्शियम आयन बाइंड करेगा तो इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज इंड्यूस करता है कैल्शियम आयन, और ट्रोपोनिन में जब कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं तो वो ट्रोपोमायोसिन में ऐसे ही चेंज को इंड्यूस करता है, और उसके बाद जो फर्दर इंटायर इफेक्ट जो होता है, तो ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स जो देख रहे हैं आप, जो जी एक्टिन के साइड को हाइड किए हुए है, ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स मायोसिन बाइंडिंग साइट से अलग हो जाता है, ठीक ना, इसको एक्सपोज कर देता है, ये इंटायर कम्प्लेक्स यहाँ से मूव करके अब दूसरे साइड थोड़ा सा लोकेट होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स
कंफर्मेशनल चेंजेस के वजह से जो मासिन बाइंडिंग साइट का एरिया है वहां से हटा हुआ दिख रहा है आपको, यानी मासिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज्ड होते हैं जब कैल्शियम आयन एल ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होकर के सार्कोप्लाज्म में आता है। सार्कोप्लाज्म में आकर के वो बाइंड करेगा टीपीसी से, तो जो मासिन बाइंडिंग साइट्स थिन फिलामेंट में होते हैं वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं और इस तरह से कंडीशन फेवरेबल हो जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में जैसा हम लोगों डिस्कस किया है कि जो क्रॉस आर्म है वो थिन फिलामेंट से बाइंड करते हैं, इसके लिए जरूरी है कि क्रॉस आर्म के सरफेस पे मौजूद एक्टिन बाइंडिंग साइट और थिन फिलामेंट पे मौजूद मासिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज्ड हों। जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो परमानेंटली एक्सपोज्ड रहता है, जो मासिन बाइंडिंग साइट्स होते हैं वो अल्टरनेटली एक्सपोज्ड और हाइड होते हैं। तो उनके एक्सपोजर के लिए रिक्वायर्ड है एक मेटल आयन कैल्शियम आयन। तो इस तरह से आप याद रखें कैल्शियम आयन का इंटायर मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या रोल है। फिर कैल्शियम आयन जब यहाँ टीपीसी से डिटैच होकर के रिटर्न वापस चला जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो फिर जो ये कम्प्लेक्स है ट्रोपोमासिन और ट्रोपोनिन का वंस अगेन अपने नॉर्मल स्ट्रक्चरल कंडीशन को एक्वायर करेगा और फिर से ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लोकेट होगा और मासिन बाइंडिंग साइट्स पहले की तरह हाइड हो जाएंगे और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन, जो मसल फाइबर्स हैं वो रिलैक्स होंगे और इंचार्ज जो मसल फिजियोलॉजी है वो कम्प्लीट मानी जाएगी। ओके, अब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो इंचार्ज प्रोसेस है उसको हम वन बाय वन सेट कर लेंगे। एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन और बता दूं, जैसा कि मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए कि ये दो जेड लाइंस हैं और इनसे थिन फिलामेंट्स ऐसे एराइज्ड हैं, इधर भी होंगे थिन फिलामेंट्स और ये मान लीजिए थिक फिलामेंट है, तो मैंने बताया था कि थिक फिलामेंट के बीचों बीच मायोमेशिन प्रोटीन होता है जो मायोसिन प्रोटीन के टेल को एक दूसरे से अटैच करने में इनडायरेक्टली काम आता है। ये मायोमेसिन ही अपीयर होता है एज एम लाइन जो डार्क बैंड के बिल्कुल बीचों बीच दिखता है। आपको मैं फिर यहाँ से बता दूं कि ये क्या ऐसे ही थिक फिलामेंट सस्पेंडेड रहते हैं सार्कोमियर में, तो ऐसा नहीं है। मायोमेसिन जो प्रोटीन देख रहे हैं आप जो एम लाइन के रूप में अपीयर होता है, यहां से एक स्प्रिंग लाइक प्रोटीन, ऐसे स्प्रिंग लाइक प्रोटीन जेड लाइन, ये जेड लाइन है, तो ये एक स्प्रिंग लाइक प्रोटीन मायोमेसिन से एक तरफ अटैच्ड है और दूसरी तरफ वो जेड लाइन से अटैच्ड है। और मायोमेसिन चूंकि थिक फिलामेंट में पाया जाता है, दिस इज थिक फिलामेंट, तो ये प्रोटीन कहलाता है टाइटिन प्रोटीन। टाइटिन प्रोटीन जो थिक फिलामेंट है ये उसको जेड लाइन से अटैच करने के लिए है, थिक फिलामेंट को जेड लाइन से जोड़ता है टाइटिन प्रोटीन। कैसे? तो ये टाइटिन प्रोटीन थिक फिलामेंट के सेंटर में मौजूद मायोमेसिन प्रोटीन से एक तरफ जुड़ा हुआ होता है और एक तरफ वो जेड लाइन से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और जैसे ये जो थिन फिलामेंट्स हैं, ये थिन फिलामेंट्स भी जेड लाइन से जुड़े रहते हैं, तो थिन फिलामेंट्स को जोड़ने के लिए जेड लाइन से एक प्रोटीन इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, कैपजेड प्रोटीन है। कैपजेड प्रोटीन थिन फिलामेंट्स को जोड़ता है जेड लाइन से, जैसे टाइटिन प्रोटीन थिक को जेड लाइन से जोड़ता है, उसी तरह से कैपजेड प्रोटीन थिन फिलामेंट को जेड लाइन से जोड़ता है। ओके, तो बहुत सारे प्रोटीन, एक बार मैं आपको रिकॉल कर दूं, जेड लाइन एक्टिनिन प्रोटीन से बने होते हैं, थिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं और थिन को जेड लाइन से कैपजेड प्रोटीन जोड़ता है। ये जो थिक फिलामेंट है वो मायोसिन से बना होता है, मेनी मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं एक थिक फिलामेंट में, एक थिक फिलामेंट के सारे एक थिक फिलामेंट के सारे मायोसिन प्रोटीन को एक दूसरे से जोड़ करके उनको होल्ड करके रखता है थिक फिलामेंट के अंदर, सारे मायोसिन प्रोटीन को। एक दूसरा प्रोटीन जो थिक फिलामेंट के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है इसे मायोमेसिन प्रोटीन कहते हैं। अगर देखेंगे थिक फिलामेंट मायोसिन से बना है और एक थिक के सारे मायोसिन प्रोटीन को थिक फिलामेंट में बनाए रखने के लिए
मायोमेसिन प्रोटीन होता है बीचों बीच जो एम लाइन के रूप में अपीयर होता है, और टाइटिन प्रोटीन जो है वो थिक फिलामेंट को जेड लाइन से जोड़ करके रखता है, थिक को जेड लाइन से टाइटिन। आप यह देखिएगा इन सारे प्रोटीन्स में सबसे ज्यादा साइज का टाइटिन प्रोटीन होता है, इंटायर जो मस्कुलर प्रोटीन्स हैं द लार्जेस्ट प्रोटीन इज टाइटिन। ओके, तो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं।